राजनीति की बात करें तो राजनीति के लिए कहा जाता है कि राजनीति एक ऐसी दलदल है जहां पांव रख दो तो वो आपको सिर्फ गंदगी से ही भरकर बाहर निकालेगी। ये बात कही जाती है, पर भारतीय छात्र संसद की बात की जाए तो यहां पर ये मानना है कि राजनीति जो है वो आपको ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलू सिखाती है और आपको ज़िंदगी के कुछ ऐसे तजुर्बों से मिलाती है जो आपने कहीं नहीं सीखे होते हैं। आज हमारे साथ वही लोग हैं जो इसका हिस्सा भी हैं और ये लोगों से और साथ ही साथ छात्रों से ये उम्मीद करते हैं कि वो इस बार बढ़ चढ़ कर अपना सहयोग भी देंगे। जसप्रीत, मेरा पहला सवाल ये है कि जिस तरीके से मैंने शुरुआत में भी कहा कि लोग कहते हैं कि राजनीति जो है दलदल है, उसमें पाँव रख दिया तो आप धंसते ही जाओगे, कभी बाहर नहीं आओगे, ये ऐसा मानना क्यों है कि सच में राजनीति जो है इस तरीके की है? और जिस तरीके से भारतीय छात्र संसद की बात करें, ये बाकी राजनीति से किस तरीके से? देखिए मैम, सबसे पहले जहाँ तक राजनीति की बात है तो काफ़ी लोग इसलिए भी मोटिवेट होते हैं क्योंकि जब लंबे टाइम तक आप कुछ इश्यूज़ को एड्रेस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली लोग जो है वो ये कहने लगेंगे कि राजनीति जो गंदा क्षेत्र है। लेकिन आप देखेंगे कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में पॉलिटिकल क्लास ही वो क्लास है जिसको देश को ड्राइव करना होता है, एटलीस्ट लीड उनको करना होता है, फिर रेस्ट बाकी टीम बनती जाती है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो हमारे बाकी ऑफिसर्स हों, चाहे आम लोग हों। लेकिन पॉलिटिकल क्लास की बड़ी इंपॉर्टेंस है, अगर वहाँ पर आप उसको गंदा क्षेत्र करके वहाँ आप अगर दाखिला नहीं लेंगे तो डेफिनेटली गंदे लोग रहेंगे और देश आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते घर बैठे बैठे अखबार पढ़ते हुए कि नहीं अब देश कहाँ जा रहा है जी, आपको अधिकार ही नहीं है कहने का। अगर आपको लगता है कि कहीं समस्या तो आप आइए ना। जहाँ तक भारतीय छात्र संसद की बात है, ये एक ऐसा मंच है जिसने बड़ा ही एक नॉन पॉलिटिकल एक मंच दिया है भारत के युवाओं को कि आप आइए और आपके जो भी विचार हैं आप यहाँ साझे कर सकते हैं। इसकी ब्यूटी ये है कि एक तो आपको एक रास्ता पार्टी लाइन, एक रास्ता जो है आइडियोलॉजिकल लाइन, आपको यहाँ हर क्षेत्र से जुड़े हुए लोग मिलते हैं, चाहे वो खेल जगत हो, फिल्मी जगत हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, और देश के तमाम वो जाने माने व्यक्ति जो करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं, चाहे वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, चाहे वो डॉक्टर प्रणब मुखर्जी थे, चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, चाहे वो फिर कुछ स्टेट्स के मिनिस्टर्स थे, ये सारे इस जो है इंडियन स्टूडेंट पार्लियामेंट को एड्रेस कर चुके हैं। दूसरा यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर बड़े बड़े हस्तियों के साथ यूथ स्पीकर्स को बैठने का मौका मिलता है, जो जो बड़े एक बड़ी ही ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरे देश भर से चुने जाते हैं और उनको मंच पे बोलने का मौका मिलता है। मैं खुद 9th इंडियन स्टूडेंट पार्लियामेंट का स्पीकर रहा हूँ जम्मू कश्मीर की ओर से, तो एक बड़ा अलग अनुभव होता है जब आपको इतना बड़ा मंच मिलता है, सामने हज़ारों युवा बैठे हैं और करोड़ों देशवासी आपको सुनते हैं, तो ये एक बूस्ट करता है मोराल को। तो आज का हमारा माध्यम भी यही था, हमारा प्रयास भी यही था कि खास करके क्योंकि जम्मू कश्मीर एक नए दौर में है, तो हमारा प्रयास यही था कि जम्मू कश्मीर के अधिक से अधिक लोग जो है इस मंच से जुड़े। अभी इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है और इस साल की स्पेशल चीज़ ये है कि आमतौर पर आपको पुणे जाना पड़ता था या दिल्ली जाना पड़ता था, इस पर आप घर बैठे बैठे, आपको कहीं नहीं जाना है, आप घर बैठे बैठे भारतीय छात्र संसद का हिस्सा बन सकते हैं। मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा, जिस तरीके से आपकी उम्र काफ़ी छोटी है और सबसे छोटे सरपंच भी हैं, राजनीति में दाखिल होते हैं, हाँ वहाँ पर आप कदम भी रख चुके हैं, एक ये बात देखने को कैसी लगती है कि आप इतनी छोटी उम्र में जब राजनीति में कदम रखते हैं तो किन किन चीज़ों से जूझना पड़ता है, किस तरीके से लोगों का सपोर्ट तो मिलता है पर किस तरीके से डीमोरलाइज भी किया जाता है? देखिए, छात्र जीवन से मैं सीधा पॉलिटिकल लाइन में आया हूँ, राजनीति में आया हूँ, इस समय जिला परिषद हूँ 9 पंचारी जिला उधमपुर से। जब मैंने भी एंट्री की थी तो खास करके एक कंजर्वेटिव क्लास थी, जो एक पीढ़ी थी, उसने ये कहा कि आप इतने टैलेंटेड हैं, राष्ट्रीय पुरस्कारी हैं, इतने मंचों पे देश का प्रतिनिधित्व किया है, आपको क्या ज़रूरत है राजनीति में आने की। तो आज भी मेरे उस फैसले को बहुत सारे लोग कोसते हैं, खास करके जो इवन मेरे चाहने वाले हैं, बड़े करीबी हैं, वो भी कहते हैं कि आप IAS ऑफिसर हो सकते थे, आप IPS ऑफिसर हो सकते थे, आप KS ऑफिसर हो सकते थे, तो आपको राजनीति में आने की क्या ज़रूरत थी, आपको आपकी स्टडी कंटिन्यू करना चाहिए थी। तो चैलेंजेस आते हैं, पहला चैलेंज तो ये होता है कि आप अपने डिसीजन के साथ खड़े रहें, बीच में टूटे ना। दूसरा, जब आप यहाँ आते हैं आप देखते हैं बाहर से तो बड़ा अच्छा लगता है कि कुर्सी है, चलो चलाएंगे, राज करेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आपको हर दिन जो लोगों की समस्या है उसको अपनी समस्या समझना पड़ता है, दिन रात लगा के आपको उनके सोल्यूशन तलाशने पड़ते हैं, फाइनेंस बहुत कम रहता है, लोगों की चिंताएं बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं। लेकिन अगर अच्छे लोग आएंगे नहीं, युवा लोग आएंगे नहीं, तो मुझे लगता है कि देश सही स्थिति में नहीं रहेगा। जिस तरीके से इस बार बात हो रही है ऑनलाइन माध्यम से करवाया जा रहा है, अभी तक अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर से किस तरीके का जो छात्र है उसका रुझान रहा है, किस तरीके से वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी दिखाने की बात कर रहा है, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय अगर बात करें तो छात्र पहले ही ये कोरोना काल में जो है काफ़ी अपनी स्टडीज से दूर रहा है, बाकी एक्टिविटीज़ से दूर रहा है, तो इसमें भागीदारी किस तरीके की नज़र आए? देखिए, इस बार जो है पहले क्या था कि विज्ञान भवन दिल्ली में होता था 10वां छात्र संसद, लेकिन वहाँ पे इतनी स्पेस नहीं थी, उसकी सिर्फ जो है वो 2000 की कैपेसिटी है, तो वहाँ पे सिर्फ 2000 ही युवा जो है वो भाग ले पाते थे। इस बार बहुत बड़ा मौका है, इस बार 25,000 से ज़्यादा जो है युवा
पार्ट अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। हमारा जो टारगेट है वो करीबन 30,000 का टारगेट है, तो इस बार मौका है युवाओं के पास ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करने का। जी आप क्या कहेंगे किस तरीके से युवा को जो है इसमें आना है, और रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे क्योंकि खासकर जो हमें देख रहे होंगे उनके मन में अब ये सवाल होगा कि बता दिया कि भाई ये होने वाला है, पर इसकी रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगी, किस तरीके से हम इसका हिस्सा जो है बन सकते हैं? जी धन्यवाद। इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है www.bharatiyachhatrasansad.org, जिसकी डिटेल्स इस प्रेस रिलीज में भी मिलेगी और नीचे कमेंट्स में भी मिलेगी। वहाँ पे जाके अपने बारे में रजिस्टर करना है, आपकी डिटेल्स देनी है, और रजिस्टर करते ही आपको ऑफिशियली एक ईमेल आएगी जिसमें इनविटेशन सर्टिफिकेट होगा, और जब ये कंक्लूड हो जाएगी उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। और ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मूल कारण जो बताऊं, जिसको राजनीति दलदल कहते हैं, उसका रीज़न ये है कि युवा ही है जो फोर्स है, और युवा ही है जो भटकता है, युवा ही है जिसको 2 मिनट में इधर से उधर बहलाया जा सकता है, काफ़ी गलीबल होता है युवा। और ये एक ऐसा मंच है जहाँ पे युवा को ये दिखता है कि पॉलिटिक्स और समाज सेवा में अंतर क्या है। तो ये एक वो फोर्स है जो युवा को अपनी शक्ति का एहसास दिलाता है और आगे बढ़ाता है। धन्यवाद। यहाँ पर साफ तौर पर इनका यही कहना है कि युवा ही है जो एक बदलाव की किरण ला सकता है, युवा ही है जो बदलाव की तरफ जो है हमारे देश को लेकर जा सकता है। आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी इसका हिस्सा हैं, और युवाओं को किस तरीके से प्रेरित करें? युवाओं के लिए देखिए जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद। मैं युवाओं को यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप दूर बैठकर राजनीति को कोसते रहेंगे तो राजनीति सुधरेगी कैसे? जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक राजनीति अच्छी नहीं हो सकती। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, युवाओं को, पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में अपनी भागीदारी दें, क्योंकि पढ़े लिखे लोग आएंगे तब जाकर हमारी जो एरिया है, चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो, वो डेवलप कर सकता है, हमारे देश को आगे लेकर जा सकता है युवा, क्योंकि युवा ही है रीढ़ की हड्डी हमारे देश की। तो युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करनी चाहिए। छात्र संसद एक बहुत अच्छा मीडियम है जिसके अकॉर्डिंग तो आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, आप घर बैठकर भी इसके साथ जुड़ सकते हैं। 23 से लेकर 28 तारीख तक आप जुड़ सकते हैं युवा छात्र संसद के साथ, और ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म माध्यम है। बड़े बड़े जो भी राजनेता हैं, जो भी यूथ आइकन हैं, उनके साथ मिलने का एक मौका मिलेगा, उनके साथ अपनी बातचीत रखने का मौका मिलेगा, आपने जो सवाल है उनके सीधे सीधे जवाब मिल जाएंगे आपको। और राजनीति हर फील्ड में होती है, लेकिन हम ये कहते हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं, एक अच्छी राजनीति होती है, एक बुरी राजनीति होती है, लेकिन अच्छी राजनीति की आवश्यकता हमारे समाज में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अच्छी राजनीति पे बात करना कोई चाहता नहीं आज के दौर में। तो हम ये चाहते हैं कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भागीदारी रखें। युवा जब तक राजनीति में नहीं आएंगे, प्रखर राजनीति में नहीं आएंगे, तब तक हमारे देश का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता है, मेरा यही कहना है। थैंक यू। तो साफ तौर पर राजनीति की बात हुई है, तो राजनीति अच्छी और बुरी दोनों है, पर किस तरीके से करनी है ये आप पर है। और भारतीय छात्र संसद की बात करें तो ये उन युवाओं के लिए मौका है जो राजनीति में अपना कदम रखना चाहते हैं, और राजनीति में जो आकर बदलाव करना चाहते हैं। उम्मीद यही करते हैं कि बढ़ चढ़ कर छात्र जो हैं इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और इसको एक सफल कार्यक्रम बनाएंगे। इस अपडेट में बस इतना ही, जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।